देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। बैंकिंग फर्जीवाड़े में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी गिरफ्तार। कमलनाथ बोले, मेरा कोई लेना देना नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के हालातों पर जताई चिंता। देश परेशान करने वाले ट्रेंड्स का बना है गवाह। बिजली की जानकारी दे रहे एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह और कांग्रेस दफ्तर में गुल हुई बिजली। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को समर्पित संगीतमय शाम। तुम जब याद आए बहुत याद आए। और मधुरम ग्रुप ने लॉन्च किया स्मार्ट टीवी ड्रीम ऑन। लॉन्चिंग के साथ ही बाजार में पहुंचा आपका स्मार्ट टीवी। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बैंकिंग फर्जीवाड़े केस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में सीबीआई ने शनिवार को मामला दर्ज किया था। रतुल पुरी को मंगलवार सुबह परिवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। नीता पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहन है और रतुल पुरी कमलनाथ के भांजे हैं। वहीं अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रतुल पुरी को अग्रिम जमानत मिली हुई है। उस केस में भी उन पर रिश्वत लेने का आरोप है। इधर कमलनाथ ने कहा कि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भावना से की गई कार्यवाही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और मुजव्वर के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक रतुल पुरी के खिलाफ शनिवार को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। ये मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 354.51 करोड़ रुपए की चपत लगाने से जुड़ा है। रतुल के अलावा एमबीआईएल के प्रबंधक निदेशक दीपक पुरी, कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक, उनकी पत्नी नीता पुरी, एमबीआईएल के पूर्व कार्यकारी निदेशक रतुल पुरी, निदेशक संजय जैन, विनीत शर्मा और अन्य अज्ञात सरकारी सेवकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक दुर्व्यवहार और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रतुल की गिरफ्तारी के बाद उनके मामा कमलनाथ ने इसे दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही बताया और यह भी कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे मेरा कोई संबंध का जिस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, दुख की बात है। पूरा विश्वास अदालत की इसका सही फैसला यही तो है। इस प्रकार दुरुपयोग देश की जनता के सामने, कभी चिदम्बरम के पीछे, कभी अमित शाह के पीछे, कभी शिवसेना के नेताओं के पीछे, कभी सबके उद्योगपतियों के पीछे, तो ये देश कहाँ घसीटा जा रहा है। रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच के घेरे में है। रतुल पुरी पर उनकी कंपनी के जरिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि रतुल पुरी की स्वामित्व वाली कंपनी से जुड़े खातों का उपयोग रिश्वत की रकम लेने के लिए किया गया है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील 3600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। भारतीय वायुसेना ने 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एंग्लो इतावली कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ करार किया गया था। यह करार साल 2010 में 3600 करोड़ रुपए का था, लेकिन जनवरी 2014 में भारत सरकार ने इस करार को रद्द कर दिया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले कुछ सालों में देश में बने हालातों पर चिंता जताई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मनमोहन सिंह ने यह बात कही है। उन्होंने मॉब लिंचिंग सहित अन्य घटनाओं का इस दौरान जिक्र किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि देश पिछले कुछ सालों में परेशान करने वाले ट्रेंड्स का गवाह बना है। ये हालात बढ़ती असहिष्णुता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, किसी विशेष समूह द्वारा किए जाने वाले हिंसक अपराध और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं से बने हैं। इस वजह से हमारी राजनीति को नुकसान पहुंचा है। राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर विपक्ष ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई कुछ घटनाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में मॉब लिंचिंग के साथ ही वर्ग विशेष द्वारा किए जाने वाले अपराधों में इजाफा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 75वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजीव गांधी का स्मरण करते हुए कहा कि राजीव देश के चहेते प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी दी। राजीव गांधी ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के बारे में सोचा है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं वर्षगांठ पर उनका स्मरण करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने देश को कंप्यूटर दिया, आईटी सेक्टर को देश में पहचान दिलाई। जब किसी ने कंप्यूटर की बात सोची भी नहीं थी, तब उन्होंने सशक्त भारत बनाने के लिए कार्य किए। राजीव ने देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। राजीव गांधी की सोच देश को आगे ले जाने की थी। उन्होंने हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा। कमलनाथ ने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी के साथ कार्य करने का मौका मिला है। बहुत सारी बातें इस प्रकार की याद आती हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे अपने जीवन में संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी से काम करने का अवसर मिला है। जब हम राजीव जी को याद करते हैं, जब 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई और राजीव जी प्रधानमंत्री बने, अपना देश कहां जा रहा था, अपना देश कहां घसीटा जा रहा था, कौन सी चुनौती नहीं थी, असम में हुए, पंजाब में हुए। राजीव जी ने उस समय ये पद संभाला और हमें याद रखना है कि उन्होंने एक नारा दिया था कि देश को 21वीं सदी में ले जाना है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जब राजीव प्रधानमंत्री बने थे, तब देश में विपरीत परिस्थितियां थी। गांधी ने भारतीय राजनीति में सरकारी योजनाओं का डिलीवरी सिस्टम कमजोर होने को स्वीकारा था। यही कारण रहा कि वे पंचायत राज के जरिए पूरे सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते थे। राजीव जी 21वीं सदी के भारत का युवा चेहरा थे, जिन्होंने भारत की व्यवस्था और स्वरूप में अमूलचूल परिवर्तन कर इसे युवा देश बनाने की शुरुआत की। इस मौके पर कांग्रेस के बड़े नेता, मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह और कांग्रेस नेता उस वक्त खींच गए जब वे कांग्रेस मुख्यालय में मध्य प्रदेश में बिजली सुधार के बारे में जानकारी दे रहे थे और बिजली गुल हो गई। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह कमलनाथ सरकार के बिजली सुधार और आम लोगों को बिजली सुविधा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। मीडिया के लोग बोले, मंत्री जी यही समस्या है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल कांग्रेस कार्यालय में ठहाके लगने लगे, लेकिन इस सब से कांग्रेस नेता खींच गए। मध्य प्रदेश में बिजली की लुका छिपी सभी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कांग्रेसी भी इससे अछूते नहीं है। अगर कटौती हो रही होती तो एक मिनट में नहीं आती, एक मिनट के अंदर आ गई। मैंने साजिश का खुला आरोप नहीं लगाया, मैंने बोला हो सकती। इससे पहले भी कांग्रेस कार्यालय में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बत्ती गुल हो गई थी। इंदौर में भी खुद ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह भी मीटिंग में बिजली चली गई थी। मंगलवार को भी कांग्रेस दफ्तर में हालांकि कुछ देर बाद बिजली आ गई, लेकिन उसने यह मैसेज जरूर दे दिया कि एमपी में बिजली आपूर्ति सिस्टम अभी ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा बारिश होने से फसलें बर्बाद हो गई हैं और किसान परेशान हैं। किसानों के आग्रह के बाद भी अधिकारी ठीक से सर्वे करने नहीं पहुंच रहे हैं और मजबूरन किसान आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण किसान परेशान है, कई जगह फसल चौपट हो गई है और अधिकारी किसानों की सुन नहीं रहे हैं। शाजापुर जिले में हुई अतिवृष्टि से किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। पौधों में अवसलन के हालात हैं, उससे परेशान किसान और फसल सर्वे की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को दर्जनों किसानों सर्वे कर मुआवजा देने की मांग को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और तुरंत सर्वे कराने की मांग की। जब अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी तो मजबूरन किसान हाईवे पर पहुंचकर जाम लगा दिया। जाम लगाने की खबर के बाद अधिकारियों की नींद खुली। एसडीएम यूएस मरावी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। सर जी, हमारे सोयाबीन बांध रह गए हैं और किसानों की ये हालत हो गई है, बर्बाद हो गए हैं खेती में और खाद भी डाल डाल के परेशान हो रहे हैं। और हम यहाँ आए हैं कलेक्टर ऑफिस में तो 8 दिन में आपका सर्वे करवा देंगे और 8 दिन में किसान क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपसे निवेदन मिले थे आप लोगों से मिले थे उनसे मिले उनको भी हमने निवेदन दिया और हमने देखी में दिया। शाजापुर जैसे हालात पूरे मालवा इलाके में बने हुए हैं, साथ में प्रदेश के कई हिस्सों में भी और बन गए हैं, लेकिन अधिकारियों की नींद अभी पूरी तरह नहीं खुली है। किसान दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और आंदोलन का मन बना लिया है।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की 101वीं जयंती पर M3 ग्रुप ने रविंद्र भवन में म्यूजिकल ईव वो जब याद आए बहुत याद आए का आयोजन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रोताओं ने शानदार संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति का लुफ्त उठाया। कलाकारों ने सदाबहार रोमांटिक गीतों की प्रस्तुति दी। M3 म्यूजिकल ग्रुप ने पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की स्मृति में संगीतमय शाम वो जब याद आए बहुत याद आए सीजन 2 का आयोजन किया। M3 द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकार अशोक सिंह, संजय शर्मा, अरविंद दयाल शर्मा, पूर्वी सुहास, आकृति मेहरा, राजू राव ने गीतों की प्रस्तुति दी। इस संगीतमय शाम में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रोता सदाबहार गीतों पर झूमते नजर आए। बॉलीवुड के महान गायकों के गाए दर्द भरे नगमों को सुनकर श्रोता यादों में खो गए। कलाकारों ने किशोर, रफी, मुकेश और लता जी सहित तमाम गायकों के गीत गाए। कार्यक्रम में कलाकारों ने अपने मीठे सुरों से हर गीत में रंग भर दिया। इस मंच पर विशेष तौर पर अशोक सिंह व उनकी पुत्री निहारिका सिंह ने भी अपनी खास प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि के रूप में जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने संगीत प्रोग्राम की सराहना की और कहा कि भारत सरकार से स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा को भारत रत्न देने की मांग की जाएगी। शंकर दयाल शर्मा जी की आज जयंती है, जयंतिथि है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर MLA रहे, भोपाल से MP रहे, भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मतलब कोई पद छोड़ा नहीं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा सब पदों पर रहे। भोपाल में BHEL लाने में सब उनका योगदान रहा। मैं समझता हूँ उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। मेरी मांग है कि उनको भारत रत्न केंद्र सरकार दे। शंकर दयाल जी शर्मा, इनके बारे में कि ये कहा जाता है कि वो भोपाल के सच्चे सपूत थे, तो इस बार जी इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि शंकर दयाल जी शर्मा जी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह जो नए नए मुद्दे और नए नए हमारे यहाँ के भोपाल के महापुरुषों पे, महान हस्तियों पे इसी तरह हर साल कोई ना कोई अच्छा आयोजन करेंगे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, दखल न्यूज के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय विशेष रूप से मौजूद रहे। श्रोताओं ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि संगीत से मानसिक थकान दूर होती है, ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे संगीत बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी ये आयोजन होता है मैं हमेशा देखने आती हूँ और मुझे सारे ही सिंगर्स यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छी मुझे निहारिका और पूर्वी सुहास अच्छी लगती है। आकृति मेहरा का लेवल ही कुछ और है, वो तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाती हैं। आज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की स्मृति में 101वीं जयंती थी, उसको माल्यार्पण वगैरह सुबह मॉर्निंग में हुआ था और अभी भी माल्यार्पण वगैरह करा। माननीय PC शर्मा जी आए थे, सुरेश पचौरी जी आए थे, शहर के अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे और बहुत शानदार शाम रही। कार्यक्रम के आयोजक दिनेश गर्ग ने बताया कि M3 ग्रुप द्वारा नए कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिससे कलाकार संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा सके। दिनेश गर्ग ने कार्यक्रम में आए सभी दर्शकों और कलाकारों का धन्यवाद प्रस्तुत किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की जयंती पर 101वीं जयंती है आज उनकी, उसमें म्यूजिक का मैंने प्रोग्राम रखा हुआ है और मैं नए नए प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता हूं मैं और आगे भी करते रहूंगा। आप दखल न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इनने पूरा कवरेज दिया मुझे आज पूरा मेरे प्रोग्राम को। प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। कम से कम संगीत से लोगों को शांति मिलती है, स्ट्रेस फ्री होता है आदमी। आज की इस भागम दौड़ की ज़िंदगी में कुछ पल यहाँ पे जो आदमी आ रहे हैं अपना कीमती समय निकाल के, उनके लिए बहुत अच्छा आयोजन है।
समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्केट में स्मार्ट टीवी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए मदरम ग्रुप ने स्मार्ट लेटेस्ट टीवी ड्रीम ऑन लॉन्च किया है। ग्राहकों को अफोर्डेबल टीवी देने के लिए कंपनी ने कम कीमत में इस टीवी को लॉन्च किया है। टीवी विभिन्न स्क्रीन साइज में मार्केट में उपलब्ध है। मदरम ग्रुप सालों से मोबाइल की दुनिया में ग्राहकों पर अपना विश्वास जमा चुका है और अब एक कदम स्मार्ट टीवी की दुनिया में रखने जा रहा है। मदरम ग्रुप ने स्मार्ट टीवी की दुनिया में कदम रखते हुए भोपाल में ड्रीम ऑन नाम से आम आदमी की रेंज में स्मार्ट टीवी लॉन्च की। MP3 ग्रुप के संगीतमय कार्यक्रम में ड्रीम ऑन स्मार्ट टीवी की लॉन्चिंग की गई। स्मार्ट टीवी के बढ़ते बाजार में हर आम आदमी के घर टीवी पहुंचने के उद्देश्य से ड्रीम ऑन अफोर्डेबल टीवी लॉन्च किया गया। मदरम ग्रुप के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि ड्रीम ऑन स्मार्ट टीवी के जरिए ग्राहक कम रेंज में बड़ी टीवी के सपने को पूरा कर सकेंगे। ड्रीम ऑन टीवी 24, 32, 40, 50 इंच A+ ग्रेड IPS पैनल में उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत मार्केट में मौजूदा टीवी से कम होगी। ड्रीम ऑन स्मार्ट टीवी में USD 4K सपोर्टेड के साथ साथ HDMI पोर्ट 2, USB पोर्ट 3 और एक VGA भी होगा। HD क्वालिटी और शानदार साउंड के साथ कम रेंज में पूरे भारत के साथ विश्व में भी ड्रीम ऑन टीवी ग्राहकों तक पहुंचाना कंपनी का उद्देश्य है। हमने इंटरनेशनल ब्रांड ड्रीम ऑन की लॉन्चिंग करी है, जो पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसका इसकी क्वालिटी और प्राइस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अच्छी क्वालिटी मिलेगी और प्राइस कंपैरिजन में सबसे अच्छी मिलेगी इसकी प्राइस। और ये इसमें आज हमने देशप्रेमी टाइम एक अखबार की भी लॉन्चिंग करी, जिसमें पर प्रति 500 रुपये की डिस्काउंट मिलेगा। कस्टमर अगर कहीं भी जाके किसी भी डीलर पर जाके लेता है तो यह सुविधा मिलेगी। ड्रीम ऑन टीवी HD क्वालिटी की टीवी है, स्मार्ट टीवी है। चूँकि नई जनरेशन को स्मार्ट टीवी की जरूरत होती है, उसी के लिए ये टीवी लॉन्च किया गया है। इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट है टीवी का, इसमें ड्रीम ऑन एक अपना प्रेजेंस बनाने के लिए आया है और ये छा जाएगा कुछ समय में, हमें पूरी उम्मीद है और आप सबका सहयोग चाहिए। मदरम ग्रुप के स्मार्ट टीवी ड्रीम ऑन की लॉन्चिंग में विशेष रूप से दखल न्यूज के डायरेक्टर अनुराग उपाध्याय, मदरम ग्रुप के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, M3 ग्रुप के डायरेक्टर दिनेश गर्ग, देश प्रेमी के संपादक लखविंदर सिंह राय विशेष तौर पर मौजूद रहे। कला उम्र और सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। कला का धनी एक ऐसा ही नन्ना और होनहार कलाकार है अनमोल द्विवेदी। अनमोल की छोटी छोटी उंगलियां और हाथ जब मृदंग और तबले पर चलते हैं तो देखने वालों के मुंह से अपने आप निकल जाता है, वाह उस्ताद वाह। छतरपुर से 120 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव पलटा के अनमोल द्विवेदी को आप छोटा उस्ताद कह सकते हैं। अनमोल के पुरखे दतिया राज घराने के मृदंग वादक थे और समूचे बुंदेलखंड में उनकी कला का लोहा माना जाता था। अनमोल के दादा अवधेश कुमार द्विवेदी भी अपने पिता की तरह एक अव्वल कलाकार हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं।
और उन्हें सम्मानित भी किया गया है। यानी बचपन से ही अनमोल को संगीत विरासत में मिला और अनमोल ने छोटी सी उम्र में तबला और मृदंग बजाना सीखा। और आज जब तबले और मृदंग पर अनमोल के छोटे छोटे हाथ चलते हैं तो सुनने और देखने वाला कह उठता है, वाह उस्ताद वाह। इतना ही नहीं, अनमोल मृदंग के साथ तमाम शास्त्रीय संगीत का गायन भी बखूबी करते हैं। अनमोल को हरफनमौला कलाकार कहा जा सकता है। मुझे प्रेरणा मेरे पूज्य गुरु बाबा श्री पंडित अवधेश कुमार द्विवेदी जी से मिली और इसे देववाद्य मृदंग पखावज कहा जाता है। मैं पढ़ता भी हूँ लेकिन इसमें मेरा इंटरेस्ट है। चित्रकूट में रायबरेली और महोबा जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और आदि आदि नगरों में मैं अपनी प्रस्तुति कर चुका हूँ। अब पहले सीखना स्टार्ट कर किया है, अभी 2 इयर्स हुए हैं और अब सीखते सीखते देखते हैं, चाहता तुम कि बन जाऊँ। आज हम अपने नाती को इस वादन को, इस परंपरा में इस वादन की क्रिया को सिखला रहे हैं और ये बजा रहा है। 12 वर्ष की आयु है इस अनमोल द्विवेदी की, तो तबला और पखावज दोनों की शिक्षा मुख्य रूप से हमारे जो घराने की परंपरा है वो पखावज की है, मृदंग की, वो ये सीख रहा है और अनेक मंचों में ये अपनी प्रस्तुति दे रहा है। अनेक मंचों से इसे आशीर्वाद प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मृदंग को देव वाद्य माना जाता है। पहले इसे पखावज कहा जाता था और इसका वादन ढोलक और तबले की अपेक्षा कठिन माना जाता था। अनमोल के दादा की माने तो अब बुंदेलखंड में ना तो मृदंग वादक बचे हैं और ना ही उसे सीखने वाले, ऐसे में अनमोल को वो इतनी छोटी उम्र का इकलौता मृदंग वादक बताते हैं। अनमोल का सपना शास्त्रीय संगीत जगत का एक बड़ा कलाकार बनने का है। वो रोज 3 से 4 घंटे रियाज भी करते हैं। पूर्व विधायक डी प्रजापति लोगों पर रुतबा गालिब करने के लिए अपनी गाड़ी पर विधायक लिखकर घूम रहे हैं, जबकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। प्रजापति इलाके के विख्यात आदमी हैं, इसीलिए पुलिस भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। ये हैं आरडी प्रजापति और उनकी गाड़ी। प्रजापति छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हैं। आलम यह है कि विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिलने से विधायकी गए हुए कई महीने बीत गए हैं, लेकिन नेताजी का विधायक लिखी नेम प्लेट का मुंह अभी भी नहीं छूट पा रहा है। दूसरों को नियम कायदे बताने वाले नेताजी खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। आरडी प्रजापति इसी गाड़ी में बैठकर कलेक्टर ऑफिस भी जाते हैं और एसपी ऑफिस भी, लेकिन नेताजी की धमक ऐसी है कि उन्हें रोकने का साहस किसी में नजर नहीं आता। इस मामले में पहले पुलिस की बात सुन लीजिए। बिल्कुल अवैध है वो, और उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में जो मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें धारा 198 है कि वाहन में किसी भी तरीके का ना तो नाम पट्टी या कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, हूटर सायरन ये सब नहीं लगा सकते, तो उनकी धाराएं भी है। तो 198 के तहत इसका चालान करते हैं, जिसमें 1000 रुपये का जुर्माना है। चालानी कार्रवाई की जाती है, इसी 198 के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें गाड़ी की नेम प्लेट वगैरह के साथ छेड़छाड़, इसमें 1000 रुपये का जुर्माना। छतरपुर में प्रजापति को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति से इस बारे में जब बात की तो नेताजी तो सीधा सीधा चोरी और सीनाजोरी करते नजर आए। उनका कहना है कि हाँ गाड़ी मेरी है लेकिन उसमें XML लिखा है, लेकिन पूरी गाड़ी देखने कहीं XML लिखा नजर नहीं आया। जलवा क्यों नहीं रहेगा, लेकिन X लिखा कभी ये नहीं रह सकता। मैं विधायक की गाड़ी में क्यों बैठूंगा, मेरा मैं एक्स विधायक हूँ, एक्स विधायक की गाड़ी में बैठूंगा, बैठ भी जाएंगे, मेरी स्वयं की गाड़ी है। अब बैठने का तो मैं बाप हूँ यार, बैठ सकता हूँ, लेकिन जब वो रहेगा तब बैठूंगा। 3 तलाक पर नया कानून बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार 3 तलाक का मामला सामने आया है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने पति द्वारा 3 तलाक लिए जाने पर थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के मऊ में रहने वाली उज्मा परवीन का निकाह वर्ष 2013 में मनेंद्रगढ़ निवासी दिलशाद के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उज्मा के साथ मारपीट करने लगे। पीड़िता जो कि काफी गरीब घर से थी, इसीलिए वह ससुराल पक्ष की मारपीट को बर्दाश्त करती रही। इस दौरान उज्मा के 4 बेटे हो गए और वह अभी भी गर्भवती है। दिलशाद ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे 3 तलाक कहकर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस को अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 की धारा 4 एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उज्मा परवीन नाम की महिला थाने में आके एक लिखित आवेदन दी है, जिसमें उसके पति दिलशाद और उसके परिवार द्वारा मारपीट किया गया है और उसके पति के द्वारा 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया है, बल्कि शिकायत आवेदन दिया है। महिला का कहना है कि उसको बार बार पैसा मांगते थे, पैसा नहीं मिला, उन्होंने के बाद मारपीट की। जबलपुर के 2 बदमाशों का नरसिंहपुर में किया गया एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। एनकाउंटर में मारे गए लोगों के परिजनों ने एसपी राजेश तिवारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया है। इन लोगों का कहना है कि वो ऊपरी अदालत तक जाएंगे और एएसपी की सच्चाई उजागर करेंगे। हालांकि इस एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी हो चुके हैं। जबलपुर के 2 नामी बदमाशों को नरसिंहपुर पुलिस ने मार गिराया था। इन दोनों पर हत्या, लूटपाट, अवैध वसूली सहित अन्य गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों का नाम विजय यादव और समीर खान बताया गया है। इन पर जबलपुर के कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुकु पंजाबी की हत्या का आरोप था। इस मुठभेड़ में एएसपी राजेश तिवारी, गोटेगांव टीआई प्रभाष शुक्ला और एक प्रधान आरक्षक भी घायल हुए हैं। इस मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी किए गए हैं। एनकाउंटर के बाद मारे गए दोनों लोगों के पोस्टमार्टम के दौरान जिला अस्पताल में विजय यादव और समीर खान के परिजनों ने पुलिस के इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और कहा कि एएसपी तिवारी उन्हें समर्पण करवाने के लिए ले गए थे और उन्हें मार दिया। फर्जी एनकाउंटर करके तेरे गोली मारी है। मेरे पति का नाम रतन यादव है। मेरे पति को 1.5 साल पहले इन लोगों ने स्मैक में फंसा के धोखे से यहाँ ट्रांसफर में बुलाया। आपको मालूम है कब बुलाया? शनिवार को। और रविवार को विजय मर गया। क्या साजिश है? अगर मेरा आदमी मरता है तो मेरे आदमी के साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार एडिशनल एसपी राजेश तिवारी है। उसी ने मेरे आदमी को भी फंसाया है और उसी ने ये फर्जी एनकाउंटर किया है। उसकी जांच की जाए और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यह मुठभेड़ नरसिंहपुर के सुआतला थाना के कुमरोड़ा गांव के पास हुई। जबलपुर के कोतवाली थाने ने इन दोनों बदमाशों के खिलाफ इनाम का ऐलान भी किया हुआ था। विजय यादव के बारे में जानकारी देने पर 30,000 और समीर खान के बारे में बताने पर 15,000 का इनाम घोषित था। विजय यादव लंबे वक्त से फरार चल रहा था, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि एनकाउंटर के बाद मृतक के परिजन खुलकर पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस एनकाउंटर के बाद से ही पुलिस की कार्यप्रणाली संदेहास्पद रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे अब अदालत में एएसपी तिवारी के खिलाफ सारा सच बयान करेंगे। ग्वालियर के दिव्यांग स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने अमेरिका में 42 किलोमीटर की कैटलिना चैनल सिर्फ 11 घंटे 47 मिनट में तैरकर पार कर इतिहास रच दिया है। सत्येंद्र सिंह इतने कम समय में इस चैनल को पार करने वाले एशिया में वे पहले दिव्यांग तैराक हैं। कैटलिना चैनल में पानी का तापमान करीब 12 डिग्री के करीब होता है। ऐसे में लगातार तैरकर इसे पार करना बड़ा ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन सत्येंद्र ने यह चैलेंज स्वीकार किया और इसे पार कर देश और मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन कर दिया है। इसके साथ ही पानी में शार्क मछलियों के हमले का खतरा भी बना रहता है। सत्येंद्र के साथ देश के 5 लोग और शामिल रहे। यहां का काफी कोल्ड टेम्परेचर है। आज सुबह अपने साथियों के साथ जो कल नाइट में 10:57 से स्टार्ट किया और आज सुबह 10:30 ये ख़त्म किया। टोटल 11 घंटे 34 मिनट लगा। इसीलिए आज जो सभी के सहयोग से जो हम अपने देश के लिए जो खुशी दे पाए हैं। भारत सरकार की वित्त सेवा के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शाखा की प्रगति हेतु परामर्श एवं विचार विमर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैंकिंग क्षेत्रों की चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। सभी बैंकों के ब्रांच मैनेजरों ने बैंक की प्रगति के लिए अपने विचार रखे। इंदौर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बैंकों के विकास और प्रगति को लेकर
विचार विमर्श किया। आयोजन में बैंकिंग क्षेत्र में आ रही चुनौतियों के बारे में शाखा प्रबंधकों से राय ली गई। चर्चा में बताया गया कि नियमों का सरलीकरण किया जाएगा और अब ग्राहकों का विश्वास बैंकों के प्रति बढ़े, यह प्रयास किया जाएगा। सुझाव एवं परामर्श देने के लिए ब्रांच मैनेजरों की शहर में अलग अलग स्थानों पर बैठक हुई। कार्यक्रम के तहत अपने अंचल अधीन सभी शाखा प्रमुखों ने अपनी राय रखी। कैनरा बैंक ने ब्रिलियंट कन्वेंशन में कैनरा बैंक की राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन किया और समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया। कैनरा बैंक भोपाल अंचल के महाप्रबंधक राहुल भावे ने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपनी सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाएं और इसके लिए एक मॉडल भी तैयार किया जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में कैसा बैंकिंग में और मोड़ आता है, क्या डिसीजन आता है, उसके भी हमारा प्रयास जारी है। और जहां पर हम शाखा नहीं पहुंचा पाते तो हमने अभी बीसी मॉडल चालू किया है कि आखिरी गांव तक हम कैसे पहुंच पाए। तो अभी हम इसमें और हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने कई बीसी अभी अपॉइंट किए हैं ताकि हम फिक्स पॉइंट बीसी ताकि हम हर गांव में पहुंच सके। तो ये भी एक तरीका है कि हम आगे अभी एक्सपेंशन बीसी मॉडल के थ्रू भी मध्य प्रदेश में ले। कैनरा बैंक की कार्यपालक निदेशक एम मनी मेखलाइन ने बताया कि यह पहली बार है जब ब्रांच के विचार और सुझाव को लिया जा रहा है। शाखा प्रमुखों के विचारों का डेटा कलेक्ट कर वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा। सरकार को यदि कोई आइडिया पसंद आएगा तो उस पर नीति नियम बनाकर अमल शुरू किया जाएगा। मुद्रा ऋण, कृषि ऋण, शिक्षा ऋण, MSMI ऋण पर खास जोर दिया जाएगा। मंत्रालय ने हमें ये विषय में हम लोगों को ब्रांच लेवल मल्टी लेवल मीटिंग्स के लिए हमें बताया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ब्रांचों का भी विचार और उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके चैलेंजेस जो हैं वो हम पूछ रहे हैं। एंड आफ्टर वी कलेक्ट द डेटा ऑफ दी ब्रांचेस के जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उसके लिए हम वित्त मंत्रालय ने हमें 9 थीम्स दे रखे हैं। जैसे एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, डिजिटाइजेशन हाउ टू बी इंक्रीज, रिटेल लेंडिंग पे व्हाट कैन वी डू। तो इस सब के बारे में हमने इंदौर में 75 ब्रांचेस जो हैं इन सबको बुलाया है इधर पे। छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर यह है कि चक्रवात द्रोणिका दोनों सक्रिय हैं और इससे पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। सोमवार को सरगुजा संभाग में चक्रवात का खासा असर देखा गया। आने वाले दो दिनों तक बारिश जारी रहेगी। उत्तर छत्तीसगढ़ को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सरगुजा के कई जिलों में 145 मिलीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज हुई है। वहीं बिलासपुर संभाग के मस्तूरी कोटा में भी 80 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में अब तक करीब 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जबकि इस सीजन में औसत बारिश के आंकड़े 1200 मिलीमीटर के हैं। वर्तमान में प्रदेश के मैदानी इलाकों को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रदेश के 12 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। यह सरकार के साथ किसानों के लिए भी चिंता का विषय है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक निम्न दाब का क्षेत्र झारखंड और उससे लगे बिहार तक बना है। एक चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। तो वहीं मानसून द्रोणिका दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.